एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद सहारनपुर के ब्लॉक कुम्बारका में स्थित बूढ़ा खेड़ा अहिर गांव पड़ा। लगभग 3500 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 10 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान जागीर सिंह हैं, जो गांव को विकास के पथ पर अग्रसित कर रहे हैं। लगभग 1284 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 250 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी पाठशाला में लगभग 60 बच्चे अध्ययनरत हैं। इसी के साथ ही गांव में विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 60 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं, तथा पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 40 हैंडपंप लगवाए गए हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में खडंजे पास सीसी टाइल्स रोड, प्राइमरी विद्यालय में शौचालय, पंचायत घर, पानी की टंकी, पानी निकासी के लिए नाला, स्कूलों में मरम्मत कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का भी निर्माण कराया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में चक्रोड, शमशान घाट, प्रवेश द्वार, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय, सीसी टाइल्स रोड व खडंजे के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान गुड्डा खेड़ाहिर ब्लॉक कुमारका जनपद सहारनपुर का रहने वाला हूँ और मैंने अपने गांव के अंदर गुड्डा खेड़ाहिर में अपने विकास कार्य 5 सीसी सड़कें भी बिछाई हैं और 5 नलकूप बोर कराए हैं। लगभग 40 हैंडपम्प है मेरे गांव के अंदर, वो कोई भी हैंडपम्प मेरे यहाँ ख़राब नहीं है। सभी गरीब जनता को सब, चाहे वो अच्छा है चाहे मंदा है, सबको पानी पीने का ठीक मिल रहा है और गांव में लाइट की व्यवस्था कराई है। गांव के अंदर अगर 60 खंबे हैं, 60-75 लगभग 75 लाइटें स्ट्रीट लाइट लगवाई है और आगे भी यही उम्मीद करूँगा कि जो भी गांव में विकास के कार्य के लिए पैसा आएगा उसको अपने हिसाब से और जनता के अनुरूप उनके कार्यों में लगाया जाएगा, कोई किसी का तुष्टिकरण नहीं होगा और सभी व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। और आगे गवर्नमेंट से यही उम्मीद करता हूँ कि गांव के जो गरीब जनता है उनके आवास में तो आवास बढ़वाए जाए, कहीं पानी की व्यवस्था कम है तो हैंडपम्प लगवा जाए और खेतों के लिए भी खडंजों का निर्माण करवाने की कोशिश करूँगा। और मेरे गांव में 2 शमशान घाट हैं और दोनों के अंदर अंत्योष्टि स्थल की मांग करता हूँ। मैं प्रधान संगठन का, अखिल भारतीय प्रधान संगठन का ब्लॉक सचिव होने के नाते मैं सरकार से ये दरख्वास्त करता हूँ कि प्रधानों के लिए मानदेय, सभी प्रधानों के लिए मानदेय बहुत कम है, इसको बढ़ाया जाए और प्रधानों का अधिकार, जो प्रधानों के अधिकार नहीं थे उनके अधिकार उनको दिए जाएं। प्रधान की कोई कमाई नहीं, सिर्फ 24 घंटे इसको खड़ा रहना पड़ता है, हर जिम्मेदारी का, चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे कोई प्रशासन हो, इसको प्रधान के ऊपरी जिम्मेदारी दे दी जाती है, चाहे कोई भी त्यौहार हो गाँव के अंदर हो, सब प्रधान के निहित में सब शासन सोचता है कि प्रधान ही सब जिम्मेदार है। ना ही प्रधान की कोई पेंशन है, ना ही प्रधान का कोई भत्ता है कि भाई कहीं घूमना जनता के काम के लिए जा रहा है सहारनपुर या विकास भवन में, कोई किसी के लिए मानदेय है, कोई कुछ है, कुछ नहीं है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सरकार कम से कम इनको भत्ता जरूर दे।